हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस तरह के 3D AI अवतार इमेजेस काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लोगो के साथ में आपका सरनेम भी रहता है। तो आज मैं इसी इसी की बात करूंगा, कैसे आप इस तरह के 3D AI इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, वो भी अपने फोटो के साथ। जी हाँ, तो देना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अपना जरूर दीजिएगा। सो लेट्स गो नाउ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और उसके बाद यहाँ से बिंग चैट विथ AI GPT 4 इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। इसको इंस्टॉल होने दें। इंस्टॉल हो रहा है फ्रेंड, वीडियो को स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद ये अलाउ परमिशन जो मांगे इसको गेट गेस्ट चैन पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन पे मतलब आपका गूगल अकाउंट मोबाइल नंबर से भी आप साइन इन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर से भी लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी मैं डाल रहा हूँ। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन प्लीज़ आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको इस कुछ भी स्किप करके नहीं दिखा रहा हूँ। जो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको रियल और प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर आपका होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ना हो फिर भी कमेंट करिएगा ज़रूर। उसके बाद मैंने अपना ईमेल क्रिएट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ से हमें अपना पासपोर्ट डालना पड़ेगा फ्रेंड्स। एक आपको पासपोर्ट बनाना है। यहाँ पे मैं एक अपना पासपोर्ट डाल रहा हूँ, आप भी अपना पासपोर्ट क्रिएट कर लीजिएगा। पासपोर्ट तो सीक्रेट होता है दोस्तों, इसी में हाइड कर रहा हूँ अपने पासपोर्ट को। उसके बाद फर्स्ट नेम में अपना नाम डालिएगा, लास्ट नेम में भी अपना लास्ट नेम डालिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, कंट्री सेलेक्ट करिए इंडिया, मैं इंडिया से हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद साल सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद ये आपको रोबोट है या नहीं ये वो चेक कर रहा है फ्रेंड्स। इसकी दिशा जिस तरफ उंगली है उसी तरफ इसको घुमा के सबमिट पे क्लिक करिएगा। वेरीफाई कंप्लीट हो गया दोस्तों, अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। बस कुछ ही देरों में आपका 3D AI इमेजेस तैयार होने वाला है। बोरिंग मत होइए, देख लीजिए पूरी अच्छी तरह से, आधा अधूरी ज्ञान मत लीजिए, लेने से पूरा ज्ञान ले लीजिए अच्छी तरह से, ताकि आपका सही से हो। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ। उसके बाद इमेज क्रिएटर पर क्लिक किया, एस पे क्लिक करके इमेज क्रिएटर पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना यही पड़ेगा जो आपका मतलब प्रॉम्प्ट बोलता है इसे। इसको मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा, इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे 15 कॉइन मिलता है, और मैंने एक किया तो देखिए
ये जो लिखेंगे ना आप, तो इसमें आपको अपना फेसबुक होने से फेसबुक डाल दीजिएगा, और आप अपना फेसबुक का यूज़र आईडी डाल दीजिएगा, और अपना उम्र भी डाल दीजिएगा, उम्र के हिसाब से होता है। देख लीजिए मैं क्या लिखा हूँ, तो इसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लिया मैंने, एक कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इसे, आप वहाँ से देख के उसे लिख के आपको उसमें पेस्ट करना पड़ता है। फ्रेंड्स देख लीजिए मैं यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद ये मेरे पास 11 कॉइन बचा है, 15 कॉइन मिलता है। और जब आप ज़्यादा फालतू इस्तेमाल मत करिएगा, अच्छी तरह से लिख के सर्च मारिएगा ताकि आपका कॉइन बचा रहे। शुरुआत में मैंने भी बहुत सारा कॉइन वेस्ट कर दिया, फिर जाके मुझे कॉइन कम पड़ा, तो फिर मैं एक दूसरा फिर से अकाउंट ईमेल आईडी से लॉगिन करके फिर कॉइन प्राप्त किया। ऐसे कर सकते हैं आप भी। और ये देखिए मैं अपना करेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको यहाँ से तीर तीर थ्री डॉट पे क्लिक करके मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड कर लिया मैंने फ्रेंड्स, थोड़ा नेट इशू चल रही है। डाउनलोड होने के बाद अब फिर मैं एक दो चार और कर लेता हूँ। अभी ये डाउनलोड होने के बाद इसको इस पर हम लोग फेस रिवील करेंगे, फेस से बनाएंगे अपना। आप अपना भी फोटो बना सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं यहाँ पे कुछ एडिट कर रहा हूँ, इसे देख लीजिए आप। आप हेयर स्टाइल अपने तरह अपने मनपसंद के डाल सकते हैं, चश्मा लगाना है नहीं लगाना है वो भी डाल सकते हैं अपने तरह अपने पसंद से, हटाना है नहीं हटाना है। ड्रेस भी अपने कलर का मनपसंद सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, रेड ब्लू ग्रीन। मैं एक पिन कर दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख के अपना कर लीजिएगा। बस इंस्टाग्राम की जगह व्हाट्सएप, व्हाट्सएप की जगह फेसबुक इसका इस्तेमाल करिएगा, और कपड़े के कलर की जगह आप खुद इस्तेमाल कर लेंगे। समझ गए होंगे फ्रेंड्स आप। मैंने कुछ इमेजेस यहाँ से तो वो कर लिए हैं। अभी अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से वो कर रहा हूँ, कुछ क्रेप और कर लेता हूँ। थोड़ा नेट इशू चल रहा है, नेट इशू के वजह से थोड़ा समय लग रहा है। वीडियो को स्किप मत करिए, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो बाद में बोलेंगे आप फेक वीडियो बनाते हैं। आप अच्छी तरह से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन थोड़ा आ रहा है मेरा, तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके देखिए फेस नॉट फॉल बता, फिर बैक करिए, फिर इमेज पर क्लिक किए, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद आपको इसी के ऊपर में एक चीज टाइप करना है, री मार्कर, रीमार्कर AI बोल के। यही ऐप में सर्च के ऑप्शन में जाके आपको रीमार्कर AI टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे रीमार्कर AI क्रिएट कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे, उसके बाद फेस से नाव पे जाएंगे। यहाँ पे आपको जो फोटो आपने अभी डाउनलोड किए हैं, दोस्तों थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा समय लगेगा, आपको भी ऐसे ही होगा, लेकिन काम अच्छी तरह से होता है। यहाँ पे देखिए फेस स्वेप फेस पे आपको पहला वाले पे जो आपने अभी डाउनलोड किया था उसको डालिएगा। देखिए मैं डाल रहा हूँ जो जो मैंने अभी डाउनलोड किया था उसी में इसको डाला, और उसके बाद नीचे वाला पे आपको अपना कोई एक अच्छा फोटो जिसमें आपका फोटो अच्छा हो, जो मैं अभी अपना डाल रहा हूँ, उसके बाद स्वाइप पे क्लिक करिए। कुछ सेकंड लेंगे, कुछ सेकंड में देखिए आपको आपका करेक्टर किस हिसाब से, आपका फेस के हिसाब से आपका लोगो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए।
ये तो फ्रेंड मैं अपना फेस का बना रहा हूँ, मैं अपनी फोटो का। देखिए मैंने अभी ऊपर में दूसरा सेलेक्ट किया, नीचे में वही फोटो है मेरी वाली, फिर स्वाइप पे क्लिक। मैंने इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं किया है फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। मैं चाहता तो इसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकता था, लेकिन इससे मैं आपको किसी भाई को सब समझ में ही नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा, इसीलिए मैं इसे स्किप नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ रियल प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप अपना खुद का 3D AI इमेजेस तैयार कर सकते हैं। आप अपने फेसबुक के लिए करें, या इंस्टाग्राम के लिए करें, या यूट्यूब के लिए करें, या व्हाट्सएप के लिए करें, कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी करना है आपको। और आप अपने फ्रेंड्स को भी करके दे सकते हैं। बस वो कॉइन जो है 15 मिलता है, बस उस हिसाब से चलिएगा। स्टार्टिंग में आप सही से लिख लीजिएगा, आपका जो फेसबुक के लिए करना है तो फेसबुक के लिए लिखिएगा, और उसके बाद जो हेयर स्टाइल आपका है उस हिसाब से अपना हेयर स्टाइल डालिएगा उसमें, और उसमें क्लिक करके साइज करके आपका इमेजेस आएगा। इमेजेस पे जाके आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फेस स्वैप के लिए आपको इसी ऐप में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी ऐप में सर्च बार है ऊपर में, मैंने आपको बताया था, वही सर्च बार में जाके आपको वहाँ से कर लेना है फ्रेंड्स। कुछ मैं अपना कर लिया हूँ, अभी मैं अपने दोस्त का कर रहा हूँ, उसका नाम अनीस है, फिर भी मेरे ही नाम से भी जो मैंने डाउनलोड किया उसी पे मैं इनका भी चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए इनकी तरह मैच होके इनकी फेस को पूरा मैच कर लिया, देखिए सब कुछ वही है, लेकिन फेस को देखिए दोस्तों, फेस पे आपको कोई फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी मैं अपना छोटे भाई का कर रहा हूँ, इसी इमेजेस पे करूँगा, उसका फेस भी यहाँ पे ला के आपको दिखा रहा हूँ। बस फोटो चेंज किया नीचे में, उसके बाद इसको तो थोड़ी लंबी हो गई फ्रेंड्स, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए इतना लंबा वीडियो बनाया हूँ, और आपको मेरी गारंटी है कि आप भी इसको सही से देख के आप अपना ऐसी तरह इमेजेस बना लेंगे। देख लीजिए, ये मेरे भाई का इमेजेस है, और ये मेरे दोस्त का अनीस का, और ये मेरा, देख लीजिए एक ही करेक्टर में मैंने कैसे बना लिया, ये मेरी है। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आप भी अपना देख के बनाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और YouTube के वीडियो बनाने का तरीका आपको हर चीज़ वीडियो बताते रहूँगा।